नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के तहत अब सभापति पद के लिए नामांकन की कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को बांसवाड़ा में दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस के नव निर्वाचित पार्षद ज्ञानेन्द्र त्रिवेदी ने सभापति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व पार्टी कार्यालय में मीटिंग के बाद शहर में वाहन रैली निकालते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सभापति का नामांकन पत्र दाखिल करवाने पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व सभापति राजेश टेलर, जिलाध्यक्ष चांदमल जैन सहित चुनाव में हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी सूत्रों ने बताया कि चुनिंदा पार्षद भी लौट कर आए हैं। इधर नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सभापति प्रत्याशी ज्ञानेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी के 36 पार्षद हैं और एक निर्दलीय भी साथ है, तो कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। उप सभापति ने प्रत्याशी के बारे में पूछने पर बताया कि पार्टी के स्थानीय नेता, आलाकमान और पार्षद मिलकर जिसे तय करेंगे वही उप सभापति होगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। उम्मीद तो शहर की जनता ने पहले ही हमारे भाग में बना दी है और मैंडेट पहले ही दे दिया। 36 हमारे पास है और एक प्लस निर्दलीय है और कहीं बीजेपी के भी पार्षद लल्ला ही थे हमारे साथ आने में। देखो अब क्या होता है। भाजपा भी इसके लिए दावेदारी कर रही है सर। दावेदारी करेगी, वो सब 5 साल उनको मिला तभी अगर कर देते तो भी मौका नहीं आता। आपने कहा कि बीजेपी के पार्षद हमारे साथ आने को लल्ला ही थे, क्या इसका मतलब भाजपा में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है? वो 26 को ही पता चलेगा सर। उपसभापति के लिए कैसे दावेदार नाम कहीं आ रहे हैं? सर अनुशासित पार्टी है कांग्रेस की, हमारी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी बैठ के तय करेंगे जी। और जो भी सभी हमारे पार्टी के बड़े नेता और पार्षद मिलकर जिसको भी डिसाइड करेंगे, आलाकमान वगैरह, वही हमारा उपसभापति है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हमने भी कई जगह पढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सभी बैठ के सभी एक साथ हैं क्योंकि सबको शहर का विकास करना है, तो हमारा कहीं कंट्रोवर्सी नहीं उपसभापति।